हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं हूँ अपने मामा के घर। पायल को घर लेके जाने के लिए आया हूँ मैं। इनके घर कल वो था ना प्रोग्राम ढोंडा का, तो उसके लिए आया था मैं। और अभी हम निकलने वाले एक घंटे के अंदर, क्योंकि मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा फिर से। फिलहाल इधर मौली के साथ हूँ मैं। मौली अपना काम कर रहा है घर के ऊपर, है ना, पानी देना है उसे, क्योंकि स्लैब डाला है ना नया, तो इसको थोड़ा पानी दिया ना तो ये मजबूत बन जाता है। तो वही काम कर रहा है मौली। इसका नाम माउली है। माउली का मतलब क्या होता है पता है मराठी में? तो एक संत थे ज्ञानेश्वर महाराज, तो उनको लोग प्यार से माउली बुलाते थे। तो फिर लोग जो भी वारकरी लोग होते ना, वो सभी माउली बोलते एक दूसरे को। तो इसका नाम माउली रखा है उसके पापा ने। फिर हमारे मामा का घर है, बहुत ही बड़ा बन चुका है अभी घर। पहले यहाँ पे हुआ करता था। और यहाँ से देखो एक गोदावरी नदी बहती है ना, ये इतनी नज़दीक। हम बचपन में यहाँ पे खेलने के लिए जाते थे। और मैंने ना मेरे मामा जी के बेटी से शादी की है, जो कि मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है साउथ इंडिया में कि आप अपने मामा की बेटी से शादी करते हो, जो कि क्लोज़ रिलेटिव में नहीं करना चाहिए, पर क्या कभी कभी कर देते हैं। और ये इनका गाँव है, पूरा सुंदर गाँव है ना, क्योंकि नदी के पास है तो ग्रीनरी काफ़ी यहाँ पे, साल भर पानी रहता है। वैसे हमारे गांव में नहीं होता है, हमारे गांव में तो बहुत पेड़ कम है, तो इसके वजह से काफ़ी ऐसा माहौल ऐसा उदास उदास सा रहता है जब साल ख़त्म होने को आता है, बारिश का सीज़न। चलो भाई तैयार होते हैं, निकलते हैं अपने घर। बहुत हो गया इधर पानी पानी। घर काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों, मुझे तो पसंद आ गया, बड़ा बड़ा एकदम। अपनी गाड़ी तो रात भर इधर ही खड़ी थी भाई इस नए घर के सामने। पर गांव में कोई दिमाग नहीं लगाता है, कोई कुछ करता नहीं है, तो कहीं भी छोड़ सकते हैं। चलो दांत ब्रश करने पड़ेंगे अपने को, और अपन ने ब्रश तो लाया नहीं है, तो हमारी नानी जी हमें क्या दे रही है देखो। विठोबा दंत मंजन, बस बस बस। और इंडियन ब्रश दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो हाथ में ऐसे दंत मंजन लेना है, और ये अपनी उंगली, मतलब कोई भी उंगली ले लो, इसको लेके ऐसे करके जब आप कहीं पे जाते हो आप ब्रश भूल जाते हो। किसने किसने ऐसा किया है घर दूसरों के घर जाके मुझे कमेंट करके बताना। चलो भाई नहा के रेडी हो चुके हैं हम लोग, नहा लिया है मैंने, अभी निकलना है। और यहाँ देखो, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था, यहाँ से पानी उठा के वहाँ पे नहा लिया मैंने। ऐसे होता है गाँव में, इसे क्या बोलते हैं, गौरी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। ये गाय का गोबर होता है ना, उससे बना होता है। चलो चाय वाय पीते हैं, गाय बोलते हैं ऐसे। कैसा लग रहा हो दोस्तों, अभी इसी ड्रेस पे घर निकलता हूँ मैं। तो यार ये खुर्चियों पे पानी पानी जम गया है, ये देखो। अच्छा हुआ मैंने देखा, नहीं तो मेरी पैंट गीली हो जाती। रिलैक्स, देखा कैसे सेवा करनी पड़ती है घर पे जब जी जजे आते तो। और जब तक ये नया वाला घर नहीं बनता है तब तक ये पायल के घर होने वाला है, निवास, पायल निवास। ए आवर लवकर, हाँ सांगायचं ना, मी कालच गेलो असतो ना घरी। अभी बोल रही मुझे नहीं आना है, कल ही बताया होता, मैं कल ही निकल गया होता रात को घर। कितना बड़ा टास्क है इसके घर पे रहना पता है, बोर हो जाता हूँ मैं। और इनको देखिए, ये हमारी मम्मी जी की मौसी, हाँ मम्मी जी मौसी है ना। ये जो मौसी है इनकी शादी नहीं हुई थी, और फिर ये मतलब इसका कोई नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे हमारे मामा के पास। चाय टाइम दोस्तों, पायल के पप्पा जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं ये। तो कहीं बुतावानी दिसती पायल, बुतावानी दिसती। चलो दोस्तों पोहे खा लेते हैं मस्त गर्मा गर्म हमारे मामा के घर। परत पोहे, नानी परत घेऊन आली पोहे माझ्यासाठी। आता काय करतो बाबा, पायल तुला जमतं का चुलीवर भाकर? का ग चुलीवर जमतं?
ये देखो इनके यहाँ पे गाय भी है, अरे दो गाय है, इसलिए पायल को ना दूध पीने की आदत थी भाई, पायल खाना ही नहीं खाती थी, अभी भी खाती नहीं है क्योंकि इसके घर पे इसको दूध पिलाने की आदत लगा के रखी थी, दिन में 3 टाइम दूध, 1-1 गिलास, वो खाना ही नहीं खाती थी, रोटी ही नहीं खाती थी, इसलिए पतली है वो। और इस रास्ते से होके हम नीचे जाते थे, इस गोदावरी नदी में खेलते थे हम लोग, यहाँ पे ही गया है मेरा बचपन सारा, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता था हर समर सीज़न में, हर दिवाली की छुट्टी में हम इधर आते थे, मज़ा आ जाता था। पर अभी थोड़ा है ना, मतलब शादी जब से हो गई तब से मैं ऑकवर्ड होने लगा इधर आने के लिए, नहीं तो भाई मेरा तो फेवरेट प्लेस था ये, बहुत बहुत यादें हैं मेरी इधर। और ये जो एरिया है ना, इसके अंदर है ना, आप समझ सकते हो, इसके अंदर है ना पक्की ज़मीन नहीं है, ये सब नदी के पास वाला एरिया है ना, मिट्टी है सब जगह पे, तो इसलिए बाढ़ के सीज़न में ना बहुत दो यहाँ पे खतरा रहता है इनको सबको। ये घर है ना, इसके नीचे एकदम पक्की ज़मीन नहीं है, इसलिए इनके घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। मावली को कुली बना दिया है इधर, कितनी एक्साइटमेंट है उसको, कब निकलेगी घर से बाहर। नानी ये थी का चल ना अवंता जी, चलो भाई निकलते हैं अभी घर, अभी 8:30 बज रहे, 1 घंटा लग जाएगा मुझे, 9:30-10 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं, फिर मीटिंग रहती है ना भाई, इसके लिए जल्दी जाना पड़ता है मुझे। गाड़ी गंदी हो रखी है, इसको साफ करना पड़ेगा। चलो मावली ये तो कॉलेज लो। चलो दोस्तों निकलते हैं अभी सीधा घर, सुनील की मजाक ले रहे हैं, सुनील से कॉल किया है, चलो सुन दादा की मजाक कर रहे हैं। चल म्हणतो कोपर गावात आला असं म्हण, तुम नाही आले म्हण, नाही ते म्हणले होते, मी म्हणले होते पण ते नको म्हणले। हां का फोन आला का सांग कोपर गाव मध्ये, हां हां तिचे डोळे आले, बाय बाय, चला येऊ का। देखो मेरे चाचा जी मुझे मिलने आ रहे हैं। दोस्तों मिया बीबी हम दोनों जा रहे हैं, सेकंड टाइम है हम दोनों साथ में जा रहे हैं ना पायल, नहीं तो हमारे साथ कोई ना कोई होता ही है हर बार। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो मंगल कार्यालय, यहाँ पे हमारी शादी हुई है मेरी और पायल की, यही वो जगह है जहाँ पे मेरी मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी सारी आजादी छीन ली गई, मेरे साथ गलत हुआ। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं स्वीट्स खरीदने के लिए, यार गाड़ी की नहीं दिक्कत हो रही है, की अंदर होती है तभी वो दिखाता है कि की इज नॉट डिटेक्टेड। देखो यहाँ पे की डिटेक्ट कर ली है उसने, बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग, सुनील का भी फोन आ रहा है, मैं ना गाड़ी के अंदर की है, थोड़ा बाहर जाऊंगा ना, ये देखो वो बोल रहा है कि की इज नॉट डिटेक्टेड, दिक्कत हो रही है पता नहीं क्यों। स्वीट लगते हैं, रहने देते हैं गाड़ी को ऐसे खुला, अरे यार ये बज क्यों रही है, सुनील के लिए स्वीट्स खरीदने थे, जाओ क्या, यहाँ की मिठाई वाकई अच्छी होती है दोस्तों, इसलिए हम आते बार बार नहीं तो। चलो भाई इतने सारे स्वीट्स ले लिए हमने, करो भैया फाइनल। चलो दोस्तों निकलते हैं अभी घर, यार गाड़ी का देखना पड़ेगा यार, इसका है ना सर्विसिंग भी अभी बाकी है, 10,000 किलोमीटर हो गए ना, सेकेंड सर्विसिंग करवाने लेके जाना है इसे, आई थिंक वो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, डिस्चार्ज दिखा रहा है बैटरी, क्या हो रहा है गाड़ी को अभी कर डिटेक्ट, सीट बेल्ट लगा, चलो चलो दोस्तों अभी हम ओला में हैं, मम्मी ने घर पे ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं, और ओला में अभी अभी बारिश हुई है, ये देख लो मौसम कितना मस्त हो रखा है। स्वीट्स के दुकान में मिलेगा क्या मुझे, ओ भाई अच्छा हुआ मिल गया इधर ही, एक दे तो यहाँ से अभी 15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने के लिए, पहुँच जाएंगे आराम से, और मेरे पीछे लोगों की रिएक्शन देख लो, जब भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना भाई खुले जगह में, लोग बहुत वियर्डली मुझे देखते हैं, जो कि बनता भी है भाई, क्योंकि आम चीज़ नहीं है, हर कोई नहीं करता ये चीज़ें है, या तुम्हें मेरे को खोना है, मागून एक स्त्री येता है, ओ पुडपा अगं तिला काही मी पास नाही आहे, मला बघावं लागेल ना इकडे गाडी घ्यायची अगोदर, ओ मॅडम हाय गुड मॉर्निंग, मे योर डे बी फुल ऑफ जॉय एंड पीस, जय श्री राम। दोस्तों हमारे यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग चुका है यार, किस गया मैं फिर अभी मेरा ऑफिस कैसे ज्वाइन करूँगा मैं, ये देखो यहाँ पे चक्का जाम हो रखा था, अच्छा हुआ आगे चले आए हम लोग, ये है मेन कल्प्रिट,
इसके वजह से ट्रैफिक जाम हो रखा है। कुछ तो हुआ, किसी को ठोका है शायद। ये देखो आगे मोटरसाइकिल खड़ी है ना, आप ध्यान से चलाइए। ये देखो ये मोटरसाइकिल वाले को ठोका है शायद, उसने रोक के रखी गाड़ी। देखो कैसे हमारे, ये देखो छोटा बच्चा मिठाई की वेट कर रहा है। पायल को निकाल दो बोल रहे। लो भाई पहुंच गए हम लोग घर पे, 15 मिनट बचे मेरे मीटिंग को। अच्छा हुआ टाइम से आ गए हमें। रॉकी के लिए कुछ लाए भाई? छुट्टी खत्म डाली थी जी, छुट्टी खत्म काम शुरू। पर इसका अच्छा है यार, इसको किसी से मतलब छुट्टी के लिए कुछ ये नहीं करना पड़ता है। हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो एप्लीकेशन करना पड़ता है। बाबा क्या करता निवान्त? और ये होममेड झाड़ू है, पिछली बार नारियल दिए थे, इस बार ये दिया। ये लो तुम्हारे मम्मी ने गिफ्ट भेजा है तुम्हें। वेयर इज माय फादर? फादर इज सारिक। फादर इज काय? साइन साड़ी। वाह रे वाह मम्मी। अरे आज पण नाही येणार दिले का पायल? अगं ते त्याचा जीवचा लांब आला त्यांना फोड फोड। मम्मी ने आज बना दी है मेरे लिए अळू वडी। उस दिन नहीं लाए थे हमने खेतों से, फिर तू ससुराली वरून जेवून येईल। खरवस म्हशीच्या दुधाचा गायचा। हे देखो दोस्तों गाय के जो पहले दूध होते है ना उससे बना हुआ खरवस। हाँ देखो चम्मच दे। चलो भाई लैपटॉप तुम्हें हमेशा साथ में रखने लगा आजकल। तू ब्लॉग देखना भाई, ढूंढा पता चल जाएगा तुझे कैसा। दोस्तों काफी टेस्टी बना है, काश मैं आपको खिला सकता। मुझे काफ़ी टेस्टी लगा इसलिए सुनील से मैं चुरा रहा हूँ थोड़ा सा बस। अगर मम्मी किती अनार असे बनवशील? बस झाले आता कंटाळलो मी खाऊन खाऊन। रेसिपी का क्या हो गया पायल? तू घर गई तो रेसिपी भूल गई। ये कोई जॉब नहीं है, मी काय तुला फोर्स नाही करत आहे, फोर्स नाही करत आहे, तुला करायचं म्हणून सांगतोय। जर नसेल करायचं तर इट्स युअर चॉईस। आपके लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? एक मिनट दोस्तों, आपके लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे अळू वडी बोलते हैं। अळू वडी लेटेस्ट है, बहुत टेस्ट है ना। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो। कौन सा लेगा चाय? छोटा वाला। गुड चॉइस, ये मैंने झूठा करके लाया। इधर रखो चटका बस है मेरे को। ये मैंने झूठा करके लाया। तो पूछा क्यों? देख रहा था तू कौन सा चूज करता है। दे। ये देखो दोस्तों ऐसा होता है, पहले आया था मुझे मुझे बोला वहाँ पे कैमरा रखा है चार्जर को, वो लेके वीडियो शूट कर। और ये जो आपने देखा पहले वो सब एक्टिंग था। यस करना पड़ता है कभी कभार। दोस्तों मेरे जॉब की सबसे डिफिकल्ट चीज कौन सी पता है? सबसे डिफिकल्ट भी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी कौन सी पता है? जब नया कोई प्रॉब्लम आता है, नई कोई चीज़ आती है जो पहले से पता ना हो, उसको सॉल्व करने का जो मज़ा है और जो स्ट्रगल है उसमें बहुत मज़ा आता है और उससे परेशानी भी बहुत होती है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है मेरे पास आज जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। AI देख लिया, ChatGPT देख लिया, इंटरनेट को ढूंढ मारा, स्टैक ओवरफ्लो देख लिया, सारी वेबसाइट्स ढूंढ ढूंढ के देख ली, पर मुझे वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या कर सकता हूँ मैं? मतलब सोल्यूशन होगा पर मैं शायद से सही से सर्च नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मतलब अगर IT फील्ड में आप आना चाहते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है पता है? आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए ना आए चल जाएगा, पर आपको जो प्रॉब्लम है उसको सर्च करना आना चाहिए। सर्च करके अगर आप ढूंढ लोगे ना उसको कहीं से भी, चाहे ChatGPT को आपको सही से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, इंटरनेट पर आपको सही से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए जिससे कि आपको वो सोल्यूशन मिल जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ ट्रिक्स, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, घर वालों से मिल लेता हूँ। ओए मम्मी काय करते? अधिक मास है ना तो हमारे मम्मी को ऐसा लग रहा है कितना पुण्य कमाऊ मैं, क्योंकि इस मंथ में जो भी काम करते हैं उसका बहुत पुण्य होता है ऐसा माना जाता है, जो भी भगवान की पूजा पाठ वगैरह। तो मम्मी पूरा एक महीना निचोड़ रही है, सारा पुण्य कमा रही है, ऐसा उसकी भावना है। तो ठीक, अच्छी बात है। पायल क्या हो गया?
बहुत गुस्सा हो तुम, काम करना पड़ रहा है इसलिए। देखो 2 दिन इसलिए ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, 8 दिन छुट्टी ली तो इसको लग रहा है कुछ काम नहीं करना है अभी। क्या बना रही हो, सब्जी कौन सी आज? शेपू। ये होती है शेपू की सब्जी। शेपू आपको, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना मुझे ज़रा। बहुत टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी के साथ, और थोड़ी तीखी हो ना। हाँ पायल बोल रहे भाई टेस्ट करके जाओ कैसी बनी है सब्जी, बता के जाओ। लेट मी जस्ट ट्राई इट। ठीक है, नमक थोड़ा इधर उधर हुआ है बट चल जाएगा। नमक है ना थोड़ा कम हुआ है शायद, पर कम अच्छा है, कोई डाल सकते हो ऊपर से। रॉकी बाय। दोस्तों ये देखो ये क्या है, इसे बोलते खरवस, गाय के दूध का है। और यहाँ पे इतना बच्चा है, सब लोगों ने डबल डबल लिया है, मेरे लिए बच्चा है अभी। तू बच्ची है हाँ ना यार, मैं ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है वो। नहीं मुझे ठंडा अच्छा लगता है। कोई तो प्यार, चलो मेरे भाई लोगों अब समय आ चुका है इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। मिलने का आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहना इस चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो, लाइक कमेंट। उनको भी बताओ यार कोई तो स्वप्निल यादव ब्लॉगर है जिसके 500 ब्लॉग में से 5 तो एटलीस्ट ऐसे ब्लॉग है जो देखने लायक है, जो बहुत मेहनत करता है हर दिन एक ही समय पे ब्लॉग अपलोड करता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस इज बिग थिंग। और ये मैं अपने जॉब के साथ कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर, तब भी मैं कर पाता हूँ। और मैं देखता हूँ फुल टाइम ब्लॉगर जो बोलते हैं भाई हम ब्लॉगिंग कर रहे थे 365 डेज, मैं करी तो तुम तारीफ। यस, जो खुद के मुंह से तारीफ करे वो क्या ही। तो सबने कहना है बाय बाय मम्मी, वोट फॉर एलविश यादव कर दो भाई, वो एलविश यादव को। Baby, you'll get sick of being alone.